आचार्य तुलसी नेवाड़ में उदयपुर जिला में चतुर्मास कर रहे थे। प्रेक्षा ध्यान का शिविर था। महाराष्ट्र से एक परिवार आया ध्यान शिविर में भाग लेने के लिए। उस परिवार के मुखिया ने कहा, एक समस्या है कि हमारी बहू छोटी अवस्था है, 20-25 वर्ष की अवस्था है, निरंतर डरती रहती है, दिन में रात में, चाहे 1000 आदमियों के बीच में तो भी डरती है, अकेली तब डरती है, निरंतर डरती है। तो फिर हमने भावना का प्रयोग किया, अभय की अनुप्रेक्षा का प्रयोग किया, 10 दिन में एकदम परिवर्तन हो गया। जब जाने लगे तो मैंने पूछा क्या स्थिति है, तो परिवार के लोगों ने कहा, उसने स्वयं भी कहा कि 80% तो डर दूर हो गया, अब जो थोड़ा बहुत बचा है और प्रयोग चलेगा ठीक हो जाएगा। भावना एक प्रकार से जो हमारा लक्ष्य है, ध्येय है, उससे अपने आप को भावित कर लेना, सम्मोहित कर लेना, अथवा उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर लेना। जब हमारा तादात्म्य होता है तो हमारी परिणति वैसी शुरू हो जाती है, हमारे भीतर से हम वैसा आकार लेना शुरू कर देते हैं। तो फिर आया कि अशांतस्य कुतः सुखम, जिसे शांति नहीं है वहां सुख कैसे होगा। बहुत गहरा संबंध है। लोग कहते हैं आज सुख के साधन बहुत हैं, थोड़ा संशोधन करना चाहिए शब्द का प्रयोग भी हम कैसे करें। सुख के साधन नहीं, जितने पदार्थ हैं वे हमारी सुविधा के साधन है। सुख तो है कहाँ, बड़ा कठिन हो रहा है, सुख होना तो बड़ा मुश्किल है। शांति के बिना सुख हो नहीं सकता। जब मन अशांत है तो सुख की कल्पना ही नहीं कर सकते, वह हो भी नहीं सकता। अशांति में सुख कभी नहीं होता, आप स्वयं अनुभव करेंगे। जब कभी मन में अशांति है, दिमाग अशांत है, सारी सुविधा की सामग्री मिल जाने पर भी सुख का अनुभव नहीं होता, तो अशांत को सुख नहीं होता। तो शांति और सुख दोनों पर हमने विचार किया। सामान्यतः सुख पर विचार करें कि हर आदमी सुख चाहता है, शांति को गौण कर देता है, पर सच्चाई यह है कि शांति के बिना सुख नहीं होता, और शांति भावना के बिना नहीं होती। भावना चित्त के समाधान के बिना नहीं होता। एक पूरी श्रृंखला है, कार्य कारण माला है, कि एक के बिना दूसरा नहीं होता। तो हम प्रारंभ कहाँ से करें। अगर गीता के दर्शन को सामने रखें तो युक्त होने से, समाधि या योग से शुरू करें। योगो भवति दुखः, बड़ा सुंदर है कि युक्ताहार विहारस्य योगो भवति दुखः। योग दुख कम करने वाला है।